हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम डॉक्टर कैंट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं डिस्कस करूँगी इन डिटेल ऑफ डॉक्टर कैंट्स ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एंड लाइकवाइज हम बाकी की ऑब्जर्वेशन भी डिस्कस करेंगे इन आर अपकमिंग वीडियो। सो द टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 12, बट द रेस्ट ऑफ द 11 आई विल डिस्कस इन डे टू डे वीडियोस। Also, if you want to learn about Dr. Kent's life history and Kent's repertory, तो आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने Dr. Kent की repertory में ही उनकी life history के बारे में भी थोड़ा बताया है, और Dr. Kent's की repertory की brief के बारे में बताया है, वो भी आपने बहुत पसंद की थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं पहले, और उसके बाद Dr. Kent's की observation के बारे में भी जान सकते हैं, जो कि हम अब आगे डिस्कस करेंगे इन माय अपकमिंग वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर कैंट ने क्या कहा था, लेट्स नो। लॉन्ग एग्रीवेशन फॉलोड बाय द फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, ये हमारे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कहा था डॉक्टर कैंट ने, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग एग्रीवेशन यानी कि बहुत लंबे समय से एग्रीवेशन चल रहा है किसी भी पेशेंट को, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपने मेडिसिन दी, प्रिस्क्राइब करी और पेशेंट को दवाई दी, और उसके बाद उसको बहुत लंबे टाइम तक एग्रीवेशन रहा, ठीक है। अब एग्रीवेशन को हमारे ऑर्गेनॉन में ये डिफाइन किया जाता है कि स्टार्टिंग में अगर एग्रीवेशन होता है पेशेंट को थोड़ा सा, तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है, बट एक प्रोलॉन्ग एग्रीवेशन है या बहुत लंबे टाइम तक एग्रीवेशन चल रहा है, तो वो कोई अच्छा साइन नहीं माना जाएगा, तो वो एक बुरा साइन है। तो ये आप ध्यान रखें इस बात का। तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो बहुत लंबे समय तक एग्रीवेशन रहा और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट हो गया, यानी पेशेंट की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप, जब कोई भी डॉक्टर या होम्योपैथिक फिजिशियन जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या पेशेंट को देते हैं, तो उस कंडीशन में या तो वो मेडिसिन बहुत डीप एक्टिंग दे दी गई, और जो कि जिसकी कि उसको ज़रूरत नहीं थी इतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन की, बट डीप एक्टिंग दी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम उभर गई और पेशेंट सही होने की वजह बदले ख़राब हो गया और ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। तो इस केस को हमें देख के ये पता चलता है कि जो केस लिया गया था वो इनक्योरेबल वन था, ठीक है। एक तो वो ठीक हो नहीं सकता था, और अब उसकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही इरिवर्सिबल हो गई है, क्योंकि उसको इतने एग्रीवेशंस हो गए हैं, उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई है, तो ये जो केस है वो और वर्स की तरफ चला गया है, तो ठीक है। तो इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत बुरा है, तो ये भी बहुत वेरी बैड, बुरी तरफ जा रहा है। इट्स लाइक इरिवर्सिबल चेंजेस हैज़ अकर्ड इन दिस केस ऑल्सो, यहाँ पे इनक्योरेबल केस था, उसका केस टेकिंग की गई थी, बट उसमें डीप एक्टिंग मेडिसिन दे दी गई, तो फिर उसे और ज़्यादा ख़राब हो गई स्थिति। जबकि अगर ऐसा इनक्योरेबल केसेस होते हैं या फिर जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके होते हैं पेशेंट के, वहाँ पर हमें डीप एक्टिंग मेडिसिन तो देनी ही नहीं चाहिए कभी भी, हमें वेरी सुपरफिशियल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जो कि डीप एक्टिंग ना हो। इस केस में हमें क्या करना चाहिए था कि हमें जब भी ऐसे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में या केस इनक्योरेबल होता है, तो हमें इन केसेस में कभी भी डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी ही नहीं चाहिए। बट अगर दे दी है तो वो और इरिवर्सिबल चेंजेस की तरफ केस चला गया है, और पेशेंट को प्रोलॉन्ग एग्रीवेशन हुई है, और क्या हुआ है, और उसका डिक्लाइन हो गया पेशेंट का, यानी और उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, बद से बदतर हो गई है। तो ऐसे केसेस और ख़राब करने से अच्छा है कि इन केसेस में क्या किया जाए, तो इन केसेस में ये किया जा सकता है कि हम सुपरफिशियल एक्टिंग मेडिसिन दे सकते हैं, बस वही एक तरीका होता है, और कुछ तरीका नहीं है। समटाइम्स मिरेकल्स ऑल्सो हैपन इन दीज केसेज ऑल्सो, बट ओनली विद द सुपरफिशियल मेडिसिन। तो इसके थ्रू डॉक्टर कैंट ने हमें ये समझाया था कि हमें सुपरफिशियल एक्टिंग मेडिसिन देनी है ऐसे केसेस में जो इनक्योरेबल होते हैं या फिर जो इरिवर्सिबल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस बहुत आ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि अगर आपको मेडिसिन देने के बाद प्रोलॉन्ग्ड एग्रीवेशन किसी भी पेशेंट में आ रही है और उसको डिक्लाइन हो रहा है पूरा केस का और पेशेंट का, तो उन केसेस में आप सुपरफिशियल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करें, कभी भी डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं दें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीफ ऑफ डॉक्टर कैंट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। लाइकवाइज वी विल ऑल्सो डिस्कस अदर ऑब्जर्वेशन
in my upcoming video. So stay tuned and have a good day.